नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वी काम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम कंपनी एक्ट 2013 टू सब सेक्शन 70 प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत इसका सब्सिक्यूट प्रोस्पेक्टस होता है, जिसे हम सहायक के रूप में भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ लीव स्थानापन्न विवरण, इसके अंतर्गत आपको यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि जब कंपनियां स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस अपना इशू नहीं करती हैं तो कुछ समय के लिए वो अपना स्टेटमेंट ऑफ लीव इशू कर देती हैं, जिसे सब्सिक्यूट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस माना गया है। बाद में उन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ लीव को आरओसी के यहाँ फाइलिंग करानी पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ लीव के अंतर्गत वह अपने शेयर को पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती है। इसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। मैं प्रथम कंडीशन, कब ये इशू किया जाएगा। फर्स्ट, जब भी कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनती है तो उसे अपने फंड पैसे की प्राप्ति करनी पड़ती है। वह पब्लिक ऑफर नहीं करती, किसी एक व्यक्ति को अपनी फंड राइजिंग का काम करती है, सोचती है कि वहां से हमें पैसे प्राप्त हो जाए, तो वो कुछ समय के लिए स्टेटमेंट ऑफ लीव इशू करती है, बाद में उसे हम प्रॉस्पेक्टस मान लेते हैं। क्योंकि ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, दिस इज नॉट इशू ऑफ द पब्लिक ऑफर, दिस इज नॉट लिस्टेड ऑफ द सेबी और एनएससी, या लिस्टेड कंपनी नहीं है। लिस्टेड कंपनी से पहले वो फंड प्राप्त करना चाहती है। शेयर कोई भी खरीदने के लिए वह स्टेट कंपनी से पहले वो अंडर राइटर से अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंडर राइटर या प्रयास करता है कि उसके सारे शेयर खरीद अंडर राइटर के माध्यम से शेयर बेचे जाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ लीव माना जाएगा। स्टेटमेंट लीव पर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वह कॉन्ट्रैक्ट प्रॉस्पेक्टस पे मानी जाएगी। स्टेटमेंट लीव पर डायरेक्टर आर या उसके द्वारा अपॉइंटमेंट एजेंट का भी हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। स्टेटमेंट लीव पर कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन द प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स देनी होगी, या अंडर राइटर के अंतर्गत इशू होगा। स्टेटमेंट लीव में, जैसे कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में, मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं, यदि आपसे कोई लिखने में गलती हो गई, जानबूझकर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, तब पर भी आपको पेनल्टी लग सकती है, तो स्टेटमेंट लीव में भी आपको पेनल्टी के प्रावधान दिए गए। कोई भी फ्रॉड मिस स्टेटमेंट यदि आप देते हैं तो 6 मंथ टू 10 ईयर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, 6 महीने से 10 वर्ष तक कि आपको कारावास दी जाए। यदि आपके स्टेटमेंट ऑफ लीव के कारण कोई भी फंड राइजिंग, आपका फंड खरीदा है और उसे फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, तो वह उस फाइनेंशियली लॉस का 3 गुना तक जुर्माना लगा सकता है। यदि पेनाल्टी ज्यादा है तो अर्थदंड और कारावास दोनों दिया जा सकता है। आज हमने आपको स्टेटमेंट ऑफ लीव के विषय में बताया, आपने पूरा मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट वीडियो डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट लीव एंड प्रोस्पेक्टस पे रहेगा। मेरा विनम्र अनुरोध है, हेल्थ इज वेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप मेरे इस वीकॉम ई लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्यों मैं बराबर जो वीडियो आपको दे रहा हूं इसकी प्रथम सूचना फर्स्ट वैसे व्यक्ति हूं आपको प्राप्त हो जाए, और इसे आप पूरा देखें और शेयर करें।